पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? ये कालजाई पंक्तियां सियासत की इस ताजा तस्वीर पर एकदम फिट बैठती हैं। सिंधिया परिवार की दो पीढ़ियों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। एक तरफ है ग्वालियर राजघराने के राजा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो दूसरी तरफ है आजादी के बाद सिंधिया वंश की चौथी पीढ़ी में शुमार महान आर्यमन सिंधिया। इस तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे और पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया भी हैं। तस्वीर में सबसे गौर करने वाली बात है नरेंद्र मोदी और महान आर्यमन। दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल हैं। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि महान आर्यमन सिंधिया की लोकसभा चुनावों को लेकर लॉन्चिंग की तैयारी हो रही। इन सुर्खियों के बीच क्या आप जानते हैं आखिर क्या है सिंधिया खानदान? सिंधिया परिवार का कितने साल पुराना इतिहास है? आखिर कैसे कई पीढ़ियों में सिंधिया राजाओं के बच्चे नहीं होने पर भी ये वंश कैसे आगे बढ़ा? तो सुनिए कहानी शुरू से। साल 1726, सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधे या सिंधिया ने आज से करीब 294 साल पहले 1726 ईस्वी में की। राणोजी मराठा सेना के महान योद्धा और सूबेदार थे। सिंधे परिवार महाराष्ट्र के सतारा का रहने वाला था। राणोजी बाजीराव प्रथम की सेवा करते हुए उभरते गए। उत्तरी राज्यों में मराठा शासन का विस्तार करने वाले मल्हारराव होलकर के वो प्रमुख सहयोगी रहे, जिसके बाद राणोजी को 1726 ईस्वी में मराठा राज्य की तरफ से मालवा का प्रभारी बनाया गया। राणोजी सिंधिया ने दो शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम मैनबाई और दूसरी का नाम चीमाबाई था। इनके 5 बेटे हुए, जिनके नाम जयप्पाजी राव सिंधिया, दत्ताजी राव, ज्योतिबा राव, तुकोजी राव और महादजी राव सिंधिया था। 3 जुलाई 1745 को करीब 45 साल की उम्र में राणोजी सिंधिया का शुजलपुर मालवा में देहांत हुआ, जिसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे जयप्पाजी राव सिंधिया ग्वालियर के महाराजा बने। सिंधिया राजवंश ने उज्जैन में अपनी अलग राजधानी स्थापित की, जिसे उन्होंने बाद में ग्वालियर के पहाड़ी दुर्ग में स्थापित कर दिया। राणोजी सिंधिया के बड़े बेटे जयपा सिंधिया की 1755 में हत्या हो गई। इसके बाद राणोजी के दूसरे बेटे दत्ताजी सिंधिया का 1760 में दिल्ली के बुराड़ी जंग के दौरान अब्दाली के सेनापति नजीर खान के साथ युद्ध हुआ और वो लड़ते हुए शहीद हुए। तुकोजी राव सिंधिया का 1761 में पानीपत की तीसरी जंग में बलिदान हुआ। राणोजी के चौथे बेटे माधोजी राव यानी कि महादजी सिंधिया पानीपत की जंग में घायल हुए, जबकि जयप्पा सिंधिया के बेटे जनकोजो सिंधिया को पानीपत की जंग में कैद कर लिया गया। बाद में कैद के दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में मराठों को करारी शिकस्त दी। 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को दिल्ली का वजीर नियुक्त कर दिया और खुद अब्दाली अफगानिस्तान वापस लौट गया। लेकिन जल्द ही मुगल ताकत दिल्ली के तख्त पर कमजोर पड़ने लगी। मौका मिलते ही मजबूत रोहिल्ला गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगलों पर भयंकर जुल्म शुरू कर दिए। इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में लिखा है
रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा किया और तत्कालीन मुगल बादशाह शाहर आलम द्वितीय से खजाने के बारे में पूछा। शाह आलम ने कहा, सब कुछ तो पहले ही लुट चुका है। नाराज होकर गुलाम कादिर ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय की आंखों को खंजर से निकालकर अंधा करवा दिया। रोहिला सरदार कादिर ने मुगल परिवार के सदस्यों को 3-4 दिनों तक बिना खाने और पानी के भूखा प्यासा रखा। कई मुगल शहजादे भूख प्यास से मर गए। 2 मुगल शहजादियों की भी मौत हुई। सिर्फ 2 दिन में 21 शहजादे और शहजादियों की मौत हुई। कादिर के सिपाहियों ने शहजादों की 2 बेटियों को लाल किले में निर्वस्त्र तक कर दिया था। इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर मुगलों ने महाद जी सिंधिया को याद किया। सिंधिया पीछे नहीं हटे और सेना सहित दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 3 महीनों तक दिल्ली के करीब भयंकर युद्ध हुआ। 31 दिसंबर 1788 को गुलाम कादिर पकड़ा गया। महाद जी सिंधिया ने कादिर के साथ भी वही किया जो उसने मुगलों के साथ किया। दोनों आंखें निकलवाई गईं, फिर हत्या कर दी गई। महाद जी राव सिंधिया का 1794 में देहांत हुआ। उनके पुत्र दौलत राव सिंधिया ने 1794 से 21 मार्च 1827 तक सिंधिया वंश को आगे बढ़ाया। तथ्यात्मक बात यह है कि दौलत राव सिंधिया उनके पुत्र नहीं थे, उनके बड़े भाई तुकोजी राव सिंधिया के बेटे थे। दरअसल महादजी राव ने 9 शादियां की लेकिन उनका कोई बेटा नहीं हुआ। कहते हैं उनकी सिर्फ एक पुत्री हुई। इस तरह भाई के बेटे को उन्होंने 15 साल की उम्र में राजा घोषित कर दिया। सिंधिया वंश में वीरता की कहानी, वैभव की कहानियां जुड़ी हैं, तो कुछ दाग भी हैं। 1857 में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई और युद्ध में कूदी, तब जयाजी राव सिंधिया ने झांसी की रानी के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया और झांसी की रानी के खिलाफ युद्ध में लड़े। सिंधिया वंश की पीढ़ियों में जनकोजी राव सिंधिया सेकेंड, जयाजी राव सिंधिया, माधोराव सिंधिया, जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया हुए। जीवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विजयराजे सिंधिया ने आजादी के बाद राजनीति में प्रवेश किया। विजयराजे 1957 में गुना और 1962 में ग्वालियर से सांसद बनी, लेकिन धीरे धीरे वो संघ से जुड़ती चली गई। विजयराजे सिंधिया ने 1980 में भाजपा की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। वो बीजेपी के टिकट पर 1989 में गुना से सांसद चुनी गई। 1991, 96 और 98 में भी वो सांसद बनी। उनके बेटे माधव राव सिंधिया, बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया सभी राजनीति में रहे। माधव राव सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। साल 2001 में एक प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जबकि उनके भतीजे माधव राव सिंधिया के बेटे ग्वालियर के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री की भूमिका में है। 19 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद साल 2020 में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है। इस वक्त 51 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा उनके बेटे की चर्चा हो रही है। 26 साल के बेटे महान आर्यमन सिंधिया भी जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। महान आर्यमन का जन्म 17 नवंबर 1995 को हुआ। उनकी स्कूलिंग दून स्कूल देहरादून से हुई। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से जूनियर सिंधिया ने ग्रेजुएशन किया है। महान आर्यमन सिंधिया पिता के चुनावी क्षेत्रों में चुनावी कैंपेन में नजर आते रही हैं। एमपी विधानसभा चुनाव 2018 में वो शिवपुरी में रैली भी कर चुके हैं। अब खुद उनके सियासत में आने की खबरों से बाजार गर्म है और सिंधिया वंश एक बार फिर से चर्चाओं में है।